हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने फंक्शंस देख लिए थे कि कैसे हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और अपने एचटीएमएल पेज पे उसे कॉल कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे हम लोगों ने फंक्शन बनाए थे और इनको यहाँ पे कॉल करके भी देखा था। आज हम समझते हैं इवेंट्स क्या होते हैं। एक इवेंट हमने कल बता दिया था, जैसे कि क्लिक इवेंट, है ना। इस तरह से हमारे पास बहुत से टाइप के इवेंट हो सकते हैं। उनको आज समझते हैं कि उनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि कुछ बेसिक इवेंट्स हमने ये रखे हैं, जैसे क्लिक इवेंट हो गया, की अप इवेंट हुआ, की अप विथ इंटर एंड स्पेस के साथ इवेंट हुआ, और की डाउन और की डाउन इंटर और स्पेस, फिर ब्लर इवेंट, माउस ओवर, माउस लीव, और किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हम गेट करेंगे, ये चीज़ें हम आज इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। क्लिक इवेंट हमने आपको यहाँ पे बताया था कि इस तरह से आप क्लिक इवेंट बना सकते हैं। देन हमारे पास है की अप इवेंट। की अप इवेंट भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, कुछ इवेंट ट्यूटोरियल देन दिस। इवेंट ट्यूटोरियल को हम कॉल करेंगे, यहाँ पे कुछ डेटा दे दें या नॉर्मल रखते हैं, केवल फंक्शन मेथड हमारा कॉल करना है, उसके बाद आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कंसोल पे कुछ चीज़ें करूँगा, क्योंकि अलर्ट नहीं चाहता हूँ बार बार हमें करना है, तो कंसोल डॉट लॉग ले लेते हैं और यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं, इवेंट कॉल, ठीक है। अब इस मेथड को हम लोग आइए यहाँ पे कॉल करते हैं डेमो की जगह, इस तरह से। और इस प्रोजेक्ट को पहले तो रन कर लें, एनजी सर्व इंटर, देन हम देखेंगे कि क्या होता है। इसको कुछ चेंज करते हैं, क्लिक में ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है, ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड वगैरह कैसी है सिस्टम की, नहीं तो ये काफ़ी अच्छा चलता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। यस, ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गया। मैं अभी इसको चूंकि कंसोल पे किया हूँ, तो हमें यहाँ पे आके कंसोल पे देखना पड़ेगा, क्लियर कर लेते हैं। अब अगर हम क्लिक मी करते हैं तो देखिए इवेंट कॉल आया। कब आया, क्लिक होने पर, जितनी बार कर रहे हैं नंबरिंग बढ़ रही है। अगर डेटा चेंज होता तो यहाँ पे डेटा भी दिखता। आप चाहे तो इस चीज़ को यहाँ से डेटा पास भी कर सकते हैं, सिंगल कोट्स में क्लिक इवेंट, बस। और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एक वेरिएबल, डेटा इन, और इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं डेटा। तो आप देखेंगे कि मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक इवेंट। इसी तरह हमारे पास इवेंट है की अप इवेंट। की अप इवेंट क्या करता है कि जब हम किस कोई चीज़ लिख रहे होते हैं अपने कीबोर्ड पे, और जब कोई भी की प्रेस करते हैं, देन रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं, तब ये इवेंट फायर होता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बीआर में यूज कर रहा हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए, क्योंकि सीएसएस यूज नहीं कर रहे हैं। और एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट आ गया है।
अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे और हम चाहते हैं जैसे लिखते जा रहे हैं तो ये कोई इवेंट फायर करे। जैसे हमने लिखा और अब की छोड़ूंगा तो एक इवेंट फायर होना चाहिए जो हम लोग सर्च वगैरह में यूज करते हैं ना, आप लिखते रहते हैं और डेटा सर्च होके आता रहता है, उसके लिए हमें की अब फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ये की अब इवेंट का, इस इवेंट को बनाने के लिए भी सिंपल आप यहाँ पे एक ब्रेसेज लें और की अप इवेंट यूज करें, इक्वल यूज करें ब्रेस, हाँ इक्वल डबल कोट, देन आप अपना फंक्शन कॉल कर लें। अब यहाँ पे हम चाहें तो दे सकते हैं कि ये की अप इवेंट है। ओके, अभी क्या था कि हम लिख रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो क्लिक इवेंट आया। अब मैं जैसे ही की प्रेस करूँगा, रिलीज करूँगा, तो देखिए की इवेंट फायर हुआ। मैं जितनी भी बार करूँगा ये नंबरिंग यहाँ पे बढ़ रही है, अगर आपको दिख रहा है तो, है ना। की अब इवेंट इस तरह से काम करता है जो हम लोग सर्च वगैरह में यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ आप की अब इंटर और स्पेस दोनों यूज कर सकते हैं, है ना। अगर की अब विथ इंटर यूज करते हैं तो नॉर्मली आपको करना कुछ नहीं है, की अब तो आपने बनाया, इसमें डॉट करेंगे और इंटर यूज करेंगे, तो अब ये की अब विथ इंटर वर्क करेगा। कैसे, ये हमारा क्लीन है, यहाँ पे हमने कुछ लिखा हेलो, तो आप देखें ना यहाँ पे कोई इवेंट अभी फायर नहीं हुआ, जैसे ही मैं इंटर प्रेस किया तब जाके ये इवेंट फायर हुआ। तो आप अब यहाँ पे मैसेज क्या दे सकते हैं कि अब विथ इंटर, क्लियर है। कभी कभी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम लिखने के बाद अगर यहाँ एंटर प्रेस करें तो कोई टास्क होना चाहिए, तो वो इस तरह से होता है कि अब डॉट इंटर इवेंट के साथ। इसी तरह से आप की अब विथ स्पेस इवेंट भी यूज कर सकते हैं, तो इंटर की जगह की अब डॉट स्पेस कर देंगे, अब क्या होगा, अब जब भी आप कुछ लिखेंगे तब इवेंट फायर नहीं होगा, इंटर भी करेंगे तो भी नहीं फायर होगा, स्पेस करेंगे तो आएगा। जैसे ही आप कुछ लिखें स्पेस दिए तो ये इवेंट फायर हो रहा है ना। तो इस तरह से आप इवेंट के साथ काम कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, ऐसे ही में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो ये तो हमारा की अप के लिए हो गया, इसी तरह आप चाहें तो की डाउन भी बना सकते हैं, सेम चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि ये है और हमारा की डाउन इवेंट, इस तरह से आप आए यहाँ पे की डाउन कर दें आपको, तो यहाँ पे की डाउन इवेंट फायर होगा। लेकिन कब, की अप और की डाउन में डिफरेंस इतना है कि की अप तब वर्क करता है जब आप की प्रेस करते हैं और रिलीज करते हैं, तो उस समय पे की अप फंक्शन काम करता है। लेकिन की डाउन में क्या होता है कि जब आप की प्रेस करते हैं, प्रेस करते ही आपका इवेंट फायर हो जाता है और वो राइट भी नहीं हुआ होता है। जब तक राइट नहीं हुआ होता है उस टाइम पर भी की अप आपका काम कर जाता है। लाइक जैसे ही हमने यहाँ की प्रेस किया और ये इस पे राइट नहीं हुआ है, उसके पहले ही हमारा इवेंट फायर हो जाएगा। मैं आपको आगे वैल्यू लेके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो आइए देखते हैं, ये हमारा की डाउन वर्क कर रहा है, आप की डाउन के साथ स्पेस या इंटर भी ले सकते हैं, डॉट स्पेस, तो ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक इस पे स्पेस नहीं आएगा। ओके, अब इसके बाद एक ब्लर इवेंट होता है, ब्लर इवेंट को भी समझते हैं। ब्लर इवेंट कब काम करता है,
नॉर्मल हम यहाँ पे ब्लर इवेंट लेंगे, एक इवेंट हमने बनाया ब्लर। अब जब आप यहाँ पे कोई भी चीज लिखेंगे इस पे, तो ये कुछ नहीं करेगा। आप इंटर करें, स्पेस दें, कुछ नहीं करेगा। जब आप इसके बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, लिखने के बाद जब भी आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये ब्लर इवेंट फायर होता है। तो कभी कभी हमें ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप वहाँ पे ब्लर इवेंट यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ है माउस ओवर एंड माउस लीव। अब ये क्या होता है, ये इवेंट हम कैसे बनाएंगे? एक्चुअली में यहाँ पे एक हम पहले तो बॉडी लेते हैं, बी आर एक डाइवर्जन यूज करते हैं, डिव, थोड़ा सा इस पे कलर दे देंगे ताकि हमें पता चले कि एरिया कितना है। तो बैकग्राउंड कलर स्टाइल बैकग्राउंड, हेल्प नहीं आ रही है आई थिंक, क्या दिक्कत है, डिव स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्राउन, और इसका हाइट दे देते हैं थोड़ा सा 80 px। अब देखिए सिंपल, ये हमारा एक एरिया है, हम चाहते हैं कि इस पे कर्सर आए तब कोई टास्क परफॉर्म हो, कोई इवेंट फायर हो, तो ये भी हम कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें सिंपल, जैसे यहाँ पे आप ब्लर इवेंट वगैरह यूज कर रहे थे, ऐसे ही आपको इस पे माउस ओवर का इवेंट यूज करना है। माउस ओवर, जैसे माउस ओवर का मतलब ये कि आपका माउस जैसे ही इंटर करेगा तो ये इवेंट फायर हो जाएगा। देखिए माउस गया, इवेंट यहाँ पे फायर हो रहा है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए फिर से आते हैं यहाँ पे, जैसे ही मेरा माउस आएगा तो आप देखिए यहाँ पे एक इवेंट फायर हुआ। अभी मैं दोबारा ले जाऊँगा तो यहाँ नंबरिंग बढ़ेगी, है ना। ये तो माउस ओवर इवेंट इस तरह से काम करता है। इसी तरह सेम आप माउस लीव का भी बना सकते हैं। माउस लीव में क्या होगा कि जब कर्सर आपका उस बॉडी से बाहर जाएगा, देखिए मैं जब यहाँ पे बॉडी पे ले आऊँगा तो कोई भी इवेंट फायर नहीं हुआ, जैसे ही मैं इस बॉडी से कहीं से भी बाहर निकलूँगा तो ये एक इवेंट फायर करता है। मैं फिर से आया, कोई इवेंट नहीं, मैं फिर से बाहर आऊँगा तो ये इवेंट फायर हुआ दो बार, है ना, एक पहली बार, एक बार ये, तीन फिर से आते हैं यहाँ पे और ये देखिए चार, ठीक है। तो माउस लीव और माउस आउट आपको क्लियर हो गया होगा। एक और काम हम कर सकते हैं, लाइक जब हमने यहाँ पे लिखा कोई भी चीज तो उसकी वैल्यू को भी हम चाहे तो फेच करेंगे, तभी तो ये काम हमें, जो हमने यहाँ पे इवेंट्स बनाए हैं इनको फेच, इनके वैल्यू को, डेटा को फेच करना पड़ेगा ना। अगर हम डेटा को फेच नहीं कर पाते हैं तो कैसे होगा, लाइक यहाँ पे हमने तो ये मैनुअल लिख दिया है, बट हम डायनेमिकली अगर देना चाहें तो कैसे देंगे? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल मैं पहले वाले पे बना रहा हूँ, एक आईडी डिफाइन कर दीजिए। आईडी यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हैस, और मान लीजिए एक आईडी हमने दिया बॉक्स। तो अब आपको ये एक आईडी मिल जा रही है इस टेक्स्ट बॉक्स की। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड में बॉक्स डॉट, बॉक्स की आईडी मिल गई तो आप उसकी वैल्यू निकाल लें, एल यू ई, देन
अब क्या होगा, आप जैसे जैसे यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि हर बार ये की अप पे काम करेगा, माउस इवेंट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। बॉक्स आईडी हो गई डॉट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये की स्पेस इवेंट लगा हुआ है, की अब करते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, हटाते हैं, ये हमारा माउस लीव का हो गया। देन यहाँ पे आते हैं, हम कुछ भी लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे टाइप हो रहा है कंसोल पे, है ना। दैट मीन्स हमारी वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह से आप सर्च पे लगा सकते हैं, लिखते जाइए और इन कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।